आज हमारे साथ है राज बहादुर सिंह। लोग पूछते हैं, जब आते हैं पेशेंट्स पूछते हैं, क्या ये क्रिएटिनिन कभी नॉर्मल हो सकता है, क्या ये क्रिएटिनिन और किडनी का फंक्शन कभी नॉर्मल किया जा सकता है। आज उसी के उदाहरण के स्वरूप आज हमारे साथ है राज बहादुर सिंह, जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है। क्वेश्चन हो सकता है किया जा सकता है, और आज मैं आपको बता रहा हूं हो गया है, कर दिया गया है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल कर दिया गया है ऑलरेडी, लेकिन आज उन्हीं में से एक पेशेंट से आपकी भेंट कराएंगे, राज बहादुर सिंह से, जिनका क्रिएटिनिन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था एक समय पे और काफी ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे। आज हमारे साथ हमारे बीच है वो राज बहादुर सिंह, जिनका किडनी फंक्शन 100% ठीक हो चुका है, एंड हिज किडनीज आर फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और आज वो नॉर्मल हो चुका है, ठोक बजा के हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं ये, और ये रिपोर्ट्स हमने नहीं कही इनको यहां से कराने के लिए, खुद यहां से करा के लाए हैं। एक नहीं, दो या तीन लैब्स के अलग अलग रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। बताएं क्या क्या दिक्कत हो रही है राज बहादुर सिंह। सबसे पहले मुझे दिक्कत थी ये चेहरे में सूजन, हाथ पैरों में जोड़ों में सूजन थी, और ये हाथ पैर ऐसे हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा था। अब तो सूजन भी काफी कम है और क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है, और काफी मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबको कि यहाँ से अच्छा है और इलाज शायद ही है, कहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल लगभग बिल्कुल ठीक ही हो गए हैं। अब बस इससे ज्यादा और क्या कहें, शब्द कम पड़ रहे हैं आपको। हाँ जी, जब आए थे उस समय क्रिएटिनिन कितना था? क्रिएटिनिन 3-4 क्रिएटिनिन हो रहा था पहले, अब तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिजिकल लेवल पर भी काफी समस्याएं हो रही थी? फिजिकल लेवल पर भी काफी समस्याएं थी, चलने फिरने में दिक्कत थी, बाथरूम तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, चक्कर आ जाते थे, गिर जाते थे कई बार, तो अब वो काफी समस्या मतलब हल हो चुकी है। फिजिकली बिल्कुल फिट है? फिजिकल फिट है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, क्योंकि आप जो है ना अभी इस समय ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों पेशेंट के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वो आपसे प्रेरणा लेंगे और उनमें एक हौसला अफजाई होगी कि इसको क्रिएटिनिन अगर राज बहादुर सिंह जी का नॉर्मल हो सकता है तो उनका भी हो सकता है। कि हताश है पेशेंट, निराश है, एलोपैथी में जा जाके थक चुके हैं, डायलिसिस करा करा के थक चुके हैं, ट्रांसप्लांट के बाद भी जब फेल हो जाएगा तब भी थक चुके हैं, वो सब कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के रूप में है आज। ठीक है, क्या बनाना चाहेंगे उन किडनी के मरीजों को जो डायलिसिस करा रहे हैं, क्रिएटिनिन उनका? मैं तो उनको यही कहना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ आकर के इलाज कराएं, बहुत बेहतर इलाज होता है, बढ़िया इलाज होता है, और बिल्कुल मैं तो यही करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी रिजल्ट आए हैं। ये रिपोर्ट्स आपने ये कहाँ से करानी है, जो सारी रिपोर्ट्स आपने? सर मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, ये मैं ये साई वाला कार्ड बना हुआ है बेटे के नाम से, तो वहाँ करा लेते हैं। अच्छा। तो बाजार से कहीं कराते हैं, 400-500 रुपए, 500-600 रुपए लगते हैं, उतना पैसा मेरे पास नहीं है, इसलिए वहीं सरकारी में ही सरकारी में करा रहे हो। ये यहाँ से कराने के लिए कर्मा आयुर्वेदा या डॉक्टर पुनीत, यानी कि मैंने आपको कहा? नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से ही करा रहा हूँ, पहले मार्केट से करा रहा था, 700-800 रुपए लग जाते थे मंथली, वो इतना पैसा मेरे पास नहीं था, इसलिए सरकारी से ही करवा रहे हैं। सरकारी से करा, Employee State Insurance Corporation, ESIC से उन्होंने टेस्ट कराए हैं, these reports are considered to be very accurate, और चार था इनका क्रिएटिनिन जब आए थे, अब ये रिपोर्ट वो कैरी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक इनकी रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर इनका क्रिएटिनिन जो है 2 के आसपास है, और यूरिया भी जो है वो 75 है, और अगर आप देखें इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल 201 है, और जो इसमें प्लाज्मा ग्लूकोज है वो भी इंक्रीज्ड है। सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इंबैलेंस चल रहे हैं इसके अंदर। अब हमने एक और इनका रिपीट टेस्ट कराया है, और अब ये जो इनका टेस्ट हुआ है 25/9/2019 क्रिएटिनिन 1 हो गया है, नॉर्मल हो चुका है। इससे पहले एक रिपोर्ट है इसके अंदर क्रिएटिनिन का 4 था जब आप आए थे, 4 के आसपास था,
फोर लगा क्योंकि पुरानी रिपोर्ट है कैरी नहीं कर रहे अभी, टू हुआ इसके बाद अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में वन हो गया थ्रेड 1.0 और ये लगातार तीन महीने से ये चल रहा है। किडनी के मरीज है ना, इसका प्रिंट करवा के अपने सामने लगवा लें क्योंकि उससे उनको एक प्रेरणा मिलती रहेगी कि ये बीमारी को जीतना संभव है। मैं इसको स्कैन करके डाल दूंगा, आप अगर आपको भी इस तरह की समस्या है, इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो लड़ना संभव है। और कैसे है वो रिपोर्ट के माध्यम से, ये ईएसआईसी की रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं सारी। और राज बहादुर सिंह जी हैं हमारे साथ जो प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनको समस्याएं हो रही थी और किस प्रकार से आज इनको निजात मिली। जब आप आए थे तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने और ईएसआई के हॉस्पिटल में आप गए होंगे, वहां पे डॉक्टर ने क्या बताया? वहां कुछ नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल ही बहुत परेशानी थी, वहां कुछ होता नहीं था, इसलिए फिर मैं वीडियो देखा तो आपका, तो फिर यहाँ आ गई। बहुत अच्छी, आज आपकी वीडियो बन रही है और वो भी 19 महीने से इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर, स्वस्थ हो, बिल्कुल निजात मिल गई है बीमारी से, इनको जीरो हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, किडनी का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और ये पिछले मेरे ख्याल 4-5 महीने से आपका नॉर्मल ही चल रहा है, नॉर्मल ही चल रहा है इनका, 4 फीट नहीं था, 0.1 तो आगे पीछे हो जाता है, नॉर्मल ही चल रहा है, 1 कुछ कुछ चल रहा है। तो ये राज बहादुर सिंह जी हैं जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है, हो सकता है, हो गया है, पूछते हैं लोग हो सकता है, आज हो गया है, राज बहादुर सिंह की प्रत्यक्ष प्रमाण है जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है। और उस प्रमाण को सिद्ध करते हुए रिपोर्ट्स हैं जो बता रही है कि क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल हो चुका है। किस प्रकार से गंभीर बीमारी को राज बहादुर सिंह जी ने और कर्मा आयुर्वेदा की सहायता से इस गंभीर बीमारी को मात दी है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे साथ है। ऐसे बहुत से मरीज आते हैं, क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण मैं सभी की वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि किसी की ट्रेन होती है, किसी की फ्लाइट होती है, किसी को जल्दी जाना होता है, उस समय हमारे पास पेशेंट्स होते हैं। जितने हम मरीजों की वीडियो बना सकते हैं वो हम जब हम ओपीडी से फ्री होते हैं तब बनाने का प्रयास करते हैं, जो अगर रुकने में संभव हो। बहुत से मरीज हैं जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो चुका है, बहुत से अनेकों मरीज हैं। आज एक रिपोर्ट के माध्यम से यह सिद्ध हो गया कि इस गंभीर बीमारी को जीतना संभव हो चुका है। मैं कोई आपसे बातें नहीं कर रहा, मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूं, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है पेशेंट का और रिपोर्ट्स का। और हम कर चुके हैं सिद्ध, साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं हम, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड वन थिंग, और ये सब साइंटिफिक पैरामीटर्स के आधार पर किया गया है। निराश ना हो, हताश ना हो, किडनी के मरीज हैं या किसी जानते हैं जो कोई किडनी का मरीज हो आपकी नोन टू में, तो आज ही फोन नंबर पे मिलाएं और आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस गंभीर बीमारी को मात दे सकते हैं, जैसे कि राज बहादुर सिंह जी ने क्रिएटिनिन को नॉर्मल कर दी के दी है इस गंभीर बीमारी। नॉर्मल का मतलब क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल का मतलब है जीएफआर बिल्कुल नॉर्मल, यानी किडनी का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल कहा जाता है। ये नॉर्मल नहीं हो सकता, नॉर्मल क्या है, ये कमी नहीं हो सकता, ये तो बढ़ता चला जाता है। हम बढ़ने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो नॉर्मल करने की बात कर रहे हैं, उसको घटने की भी बात नहीं है, नॉर्मल करने की बात है यहाँ तो। और अगर और प्रेरणा की जरूरत है किसी पेशेंट को तो जाके YouTube चैनल पे जाके देखें कितनी वीडियोस हमने डाली हैं जिनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हुआ है और जिनका क्रिएटिनिन कम हुआ है, डायलिसिस बंद हुआ है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी है, और उन सभी की सभी रिपोर्ट्स के साथ देखें, रिपोर्ट्स के आधार पर देखिए उनको। ये शायद ही किसी आयुर्वेद के चैनल पे इतनी वीडियोस और इतने टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे, इनफैक्ट ये आपको इतने टेस्टिमोनियल्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जितने टेस्टिमोनियल हम यहाँ पे रोज आपको डाल के दिखाते हैं, और वो भी यहीं पे खड़े होके, क्लिनिक में खड़े होके और साथ साथ वीडियोस और रिपोर्ट्स के साथ पेशेंट के सामने यही बनाते हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 0987171205, 0111-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।